भाई तू अपनी अल्टो में डलवा ले इन्हें, इट्स नॉट कार इट्स थार। हाँ इट्स नॉट कार इट्स थार, ठीक है, जिसे देख के आपको हो जाएगा प्यार। वाह क्या राइमिंग कर रहे हैं। अगर इसी पे जीप वगैरह लिख दो तो ये भाई पूरी रूबी कोड नहीं बन जाती है। जब आपने बोला ना वरना ब्लैक तो मुझे लगा नंबर भी होगा 0077, तो वरना का भी सेम है, इनोवा का भी सेम है। अच्छा इनोवा का भी सेम है, तो लड़कियां देखी हैं बहुत चलाती हैं। हाँ भाई रोड पे मैं देख रहा हूँ आजकल इतनी लड़कियां, और इसमें अच्छी भी लगती है लड़कियां थार चलाती है ना। हाईवे पर तेज गाड़ी भग रही है तो फट 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 आवाज करेगी, मतलब ठीक है सुनने में ठीक है, अगर तुम ज्यादा तेज आवाज बढ़ाते हो तो थोड़ी फटती है। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके हूँ आपके लिए सामने देख लो महिंद्रा थार। भाई देखो सबसे पहली बात, थार का मुझे लगता नहीं है कोई भी राइवल होता है, कोई भी कॉम्पिटिटर होता है। थार एक ऐसी गाड़ी है जिसको पसंद है ना तो वो ये नहीं सोचता कि यार ये वाली ले लेते हैं या ये वाली ले लेते हैं, उसको तो बस एक ही चीज़ दिखाई देती है सामने ब्लैक कलर में या कोई से भी कलर में हो, लेकिन भाई थार ही हो। और एक आती भी है जैसे भाई वो गुरखा वगैरह आती है, पर मुझे लगता नहीं कि इसका कॉम्पिटिटर है क्योंकि इसकी बनावट और उसकी बनावट में भाई बिल्कुल ही अलग अलग है। हाँ वो बात अलग है भाई ऑफ रोडिंग में दोनों ही बेस्ट हैं, 4x4 मिलते हैं और भाई गुरखा तो आप देखोगे ना इससे तो कहीं ज़्यादा ऊँची मिलती है और थोड़ी सी लंबी मिलती है, मतलब ये डायमेंशन भी चेंज है। लेकिन ये है कि भाई थार जिसको पसंद है वो थार ही लेता है। और अभी तो भाई हाल फिलहाल में 5 डोर भी भाई स्पाइट करी जा रही है, मतलब जगह जगह देखी जा रही है, तो जल्द ही 5 डोर भी आने वाली है। तो भाई इस गाड़ी का प्रॉपर एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे और इस गाड़ी के साथ हमारे ओनर हैं उनसे बात करेंगे भाई कब लिए कौन सा वेरिएंट है, और ये नहीं पूछेंगे थार क्यों लिए क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जिसको थार पसंद है वो तो भाई थार लवर है ही, बाकी ये जरूर पूछेंगे 5 डोर आने वाली है तो उसका वेट क्यों नहीं किया क्योंकि भाई हाल फिलहाल में ली हुई गाड़ी है, ठीक है। और आप सामने देख भी रहे होंगे फ्यूल के एलॉय व्हील है, मेन बात तो भाई इस थार में यही है कि इसमें फ्यूल के एलॉयज डले हुए हैं, और इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। कुछ और भी बात करेंगे, अंदर कुछ काम करा रखा है नहीं करा रखा है, बाहर से क्या क्या काम इसमें करा रखा है, देख रहे हो 1:14 मैं बोल चुका हूँ, अब आप ज्यादा बोर हो जाओगे अगर मैं और बोलूंगा, तो चलो सीधा इनके ओनर के पास चलते हैं। तो क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? हैं क्या हाल है? फाइन फाइन, यस। आओ तो गाड़ी के पास आओ भाई, नाम बता दो अपना। मेरा नाम है काव्य शर्मा। तेरा नाम क्या है भाई? अभिषेक। भाई देखो सबसे पहले तो अपने ही गाँव के भाई है, चिप्याना के, चिप्याना बुजुर्ग, ठीक है, तो अपने गाँव की गाड़ी है। तो क्या नाम बताया था भाई? काव्य शर्मा। काव्य शर्मा अभी डागर, yes, हैं, yes। ठीक है भाई, काव्य भाई कब ली थी गाड़ी? है गाड़ी नहीं, थार। थार हमने अगस्त के स्टार्टिंग में लिए। अगस्त के स्टार्टिंग में लिए तो कितने दिन हो गए? अगस्त सितंबर अक्टूबर, 2 महीने हुए हैं ना? 2 महीने हो गए। अच्छा तो सबसे पहले क्वेश्चन यार मेरा यही रहेगा अब कि 5 डोर आने वाली है आपको भी पता होगा है ना, तो उसका वेट कर लेते थोड़ा सा। नहीं इतना नहीं पता ना कब तक आएगी वो, और तो हमको थोड़ा जल्दी भी थी लेनी है थार। थार काफी टाइम से हमने मूड बना रखा था कि लेनी है, तो फिर कर दिया जल्दी, हमने निकलवाई भी जल्दी है इसी चक्कर में कि जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला निकलवाई भी जल्दी है, ठीक है, तो कितनी वेटिंग पीरियड तो बहुत चल रहा है इस पे अभी? 10 महीने का वेटिंग पीरियड था, पर हमने निकलवा ली थी 2 महीने में। 2 महीने में ये क्या निकलवा ली, मतलब कैसे, कुछ जुगाड़ थी, कुछ जानने वाले थे उनके थ्रू निकलवा। अच्छा जान पहचान, तो अभी भाई आपकी जान पहचान दिखे कुछ है? क्या क्या लिंक है क्या आपके ऊपर तक? थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर तक, थोड़े थोड़े ऊपर जा रहे हैं, चलो ठीक है। तो भाई ये कौन सा टॉप वेरियंट है? तो अच्छा नहीं, इसमें एक सॉफ्ट टॉप भी आता है, तो ये है अपना हार्ड टॉप है, ठीक है। कितने का पड़ा था ये? 18,88,000 रुपए का पड़ा था। तो ऑटोमेटिक है मैनुअल है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है तो भाई एक बात बताओ, मैनुअल ड्राइव किया आपने अब तक? मैनुअल किया थार में? हाँ थार में नहीं किया। नहीं की? मैंने पुरानी वाली कर रखी है पर मैनुअल। मैनुअल तो क्या मन था, मतलब कैसे मन बना के इस बार ऑटोमेटिक लेते हैं? एक्चुअली हम पे सारी गाड़ी ऑटोमेटिक ही है अब आजकल, चल भी ऑटोमेटिक कर रहा है, मतलब गियर डालो जाम में वो गियर डाल के अपना स्मूथली अब ऑटोमेटिक लो, बस रेस वगैरह से चलाते रहो, मतलब कंफर्टेबल थोड़ा इसमें ही होता है। तो इसलिए थोड़ा मतलब अपने दूसरे पैर को पूरा रेस्ट देना है, सही भी है यार क्योंकि आजकल इतना ट्रैफिक वगैरह है ना अपने एरिया में, ठीक है भाई, क्योंकि इतना ट्रैफिक वगैरह भाई को भी थोड़ा सा ना फ्रेम में लेते हैं ढंग से। इतना ट्रैफिक है कि भाई आजकल मैं भी यार मिस करता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी लिया मैनुअल लिया, अब लगता है कि यार ऑटोमेटिक ले लेनी चाहिए थी, है ना। अब मेन मुद्दे पे आ लेते हैं भाई, इसमें सामने से चेंजेस बता दो आपने क्या क्या करा रखे हैं। चेंजेस हमने फर्स्टली तो ये ग्रिल पूरी चेंज करा रखी है, ग्रिल हो गई, हेडलाइट हो गई, टाइल लाइट हो गई इसकी, ये फॉग लैंप हो गए, ये सारे चेंज है। तो ये हेडलाइट, ये जो हेडलाइट्स हैं ये कितने की पड़ी हैं आपको? ये ओवरऑल अराउंड 50,000 का पड़ा है पूरा। पूरा मतलब ग्रिल वगैरह सब? ग्रिल लगा नहीं, पूरा ओवरऑल 70 का पड़ा है, ऊपर की लाइट भी है। हाँ हाँ हाँ, साइड की बैजिंग भी है 70। ओके नहीं, जैसे मान लो कोई हेडलाइट इन्हें डलवा रहा है तो ये हेडलाइट का सेटअप कितने का पड़ता होगा? अच्छा वैसे ये है क्या, आपने जब कहाँ से काम कराया था आपने? क्लासिक नोएडा। अच्छा तो ये था, आपने काम बता दिया उन्हें, पूरा लिस्ट बना के दिया ना। चलो उस लिस्ट में बताओ क्या क्या आया है फिर उसमें। लिस्ट में ये पूरी ग्रिल है, ये तुम्हारी हेडलाइट है और साइड लाइट है, फॉग लैंप है,
और ये साइड की ये बैजिंग है, ये हो गई, ये थार वाली, ये क्या कहते हैं पियानो ब्लैक की है। अच्छा ये जो क्लैडिंग है ये भी बाहर से लगवाई है ना, कंपनी वाली भी देते हैं महिंद्रा वाले, पर महिंद्रा से लगवाई नहीं है हमने, ये बाहर से लगवाई है आफ्टर मार्केट। और वो ऊपर जो ये आती है लाइट, ये भी ये बार लाइट, हमर लाइट, पता नहीं कौन से बोलते हैं ना। चलो ये काम कराया आपने ना, पीछे भी कराया, पीछे ना ये बैक लाइट में ये थोड़ा ब्लैक। अच्छा ये कवर जो है कवर भी ग्लोसी वाला, हाँ, ग्लोसी वाला। अब भाई ये बताओ काव्य भाई, आ जाओ आगे आ जाते हैं, जब भी मजा आ रहा है अभी भाई को भी लेते हैं, आ जाओ भाई हम तो ये बताओ यार, ये जो आपने डलवाए हैं एलॉयज, तो ये फ्यूल के ओरिजिनल है क्या भाई? जी ओरिजिनल है। ओके भाई देखो ये फ्यूल के ना, ये देख लो, ये है भाई ओरिजिनल। अब तक मैंने जो गाड़ी मतलब थार मैंने कवर की थी एक बहुत पहले, वो देख लेना आपने वीडियो में देखी, थार से रिलेटेड सारी वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको मिली जाएंगी, पर ये जो है ना भाई ये ओरिजिनल है। तो यार ये कितने के पड़े थे आपको? ये 4 लाख के अराउंड पड़े हैं। 4 लाख के अराउंड, तो ये इम्पोर्ट कराए होंगे फिर? हाँ वो जिससे हमने मंगाए थे ना उन्होंने इम्पोर्ट करा के रख रखे थे पहले, तो फिर चलवा। तो अभी भाई यार आप बताओ 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 कि कैसे लग रहे हैं एलॉय? एलॉय दूसरों से कंपेयर करे जाए तो अलग ही दिख रहे हैं। अलग दिख रहे हैं मतलब थार में ये ठीक है, थार में बढ़िया और में बढ़िया। और में किस में डलवाओगे बताओ? कोई सी में तो आई जाएंगे सही है, हैं? किसी को तो करवा दे। भाई तू अपनी एल्टो में डलवा ले इन्हें। एल्टो ले लूंगा जब कर, अभी ली भी ना है, अभी एल्टो कहाँ है बेटा, तू एल्टो नहीं लेगा, तू फॉर्च्यूनर लेके आएगा। चलो भाई देखो ये जो है ना अपने रूबीकॉन में आते हैं, है ना भाई? रूबीकॉन की कॉपी है। और मैं तो कह रहा हूँ ये क्या आते हैं, अगर इसी पे जीप वगैरह लिख दो तो ये भाई पूरी रूबीकॉन ही बन जाती है ना। तो भाई कहाँ देख लो 80 लाख और कहाँ देख लो 18 लाख, 80 लाख का मजा 18 लाख में। तो भाई हम इंडियंस ना कुछ अलग खेलते हैं, हमारे जो कंपनीज है ना वो भी अलग ही खेलती हैं, हैं? 80 लाख की चीज लेनी थी भाई से सुन क्या कह रहा है, अंदर मैंने देखी है बैठा हूँ उसमें, जहाँ काम कराया था वहाँ खड़ी थी रूबीकॉन, अंदर से उसका इंटीरियर बहुत तगड़ा है, हाँ ऊंची भी है, पर ठीक है ना भाई, फिर भी यार पूरा पूरा फील आता है, सस्ता सा इसका मजा आ जाता है कि तुम बैठे हो रेंगलर में। और ये कितने इंच के डलवाए आपने? ये 20 इंच के 20 इंच के एलॉय हैं। और आते कितने हैं भाई इसमें? इसमें आते हैं 18 आते हैं। 18 आते हैं, तो आपने 20 इंच के एलॉय डलवाए हैं ना, सही है यार। देखो मेन सही बात है, आप थार में कोई से भी एलॉय डलवा लो, जैसे हमारे अभी भाई भी कह रहे हैं कि भाई ये ना वाकई इसमें जो एलॉय लग रहे हैं ना थार में, ये ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि पता है पूरा फील आपको ना रूबीकॉन वाला आने वाला है, ये देख लो। और पता है भाई सॉफ्ट टॉप का क्या था, मतलब मन ही नहीं था लेने का बिल्कुल भी? नहीं, इसमें रीज़न है, एक सॉफ्ट टॉप में ना एक्चुअली जैसे हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो उसमें वो होती है पन्नी सी, तो चलते तो फटफट आवाज करती है, और मतलब वो उसमें सेफ्टी भी नहीं है, अगर तुम कहीं जा रहे हो वो ऐसी खुल भी जाती है बाहर से भी, और ब्लेड ब्लेड मार दे कोई या कुछ भी, तो ये हार्ड टॉप में इसलिए थोड़ा, तो कुछ ये भी है कि सेफ्टी पर्पस के देखते हुए। हाँ ये तो यार सही है, देखो कपड़ा ही होता है, तिरपाल सी होती है, खुल भी जाती है। और ऐसा भी कुछ सुना है मैंने कि वो चलते हुए आवाज भी बहुत करती है, हाईवे पर तेज गाड़ी भग रही है तो फटफट आवाज करेगी, ये हार्ड टॉप में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो भाई बाहर से जो काम है ना, जैसे ग्रिल हो गई है, हेडलाइट्स हो गई है, थोड़ा आपने क्लैडिंग का काम कराया है, फोग लैंप्स हो गए हैं, और मेन बात है फ्यूल के एलॉय, तो ये तो भाई प्यारे लग रही हैं। और ऊपर देख लो भाई ये लाइट्स वगैरह जो हैं। अब मुझे ये बताओ अंदर से भी कुछ काम कराया आपने? नहीं अभी अंदर से कुछ नहीं कराया, अंदर से कुछ नहीं करा। चलो फिर अंदर बैठे थोड़ा सा बात करते हैं, आ जाओ आप इधर आ जाओ, आओ सर आप बैठो सर। मैं बैठूँ बस, हाँ क्योंकि दिक्कत होगी ना 3 बंदों बैठने में तो भाई ये प्रॉब्लम है, देखो ये ड्रॉबैक है। अभी हम अभी भाई को अंदर ले लेते हैं, लेकिन अभी भाई कह रहे हैं तुम बैठो क्योंकि बहुत सारा समय चला जाएगा, क्योंकि ये शीट समय भाई करके दिखाना कैसे अंदर जाते हैं इसमें। ओके अच्छा अच्छा ये सीन है ना जी। चलो भाई ये थोड़ा सा दिक्कत है, तभी तो 5 डोर अब लॉन्च कर रहे हैं ना वो, 5 डोर हो रही है। देख लो भाई एक बार अंदर का सेटअप देख लो, कंप्लीट ब्लैक थी में, थोड़ा सा ग्रे पार्ट आपको यहाँ मिलेगा। यार एक चीज, फुटस्टेप तो आता ही होगा भाई इसमें, नॉर्मल बंदा बैठ नहीं पाएगा। चलो भाई अब हम बैठ गए देखो थार के अंदर, और सही में यार देखो हेडरूम स्पेस तो देखो कितना ही ज्यादा है, मतलब मैं भी 6 फीट का बंदा हूँ, मेरा ही हेडरूम स्पेस देख लो। एक तो शक्ल सही से नहीं आती 0.5 में जब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छा काव्य भाई जैसे मैं गाड़ी में अंदर देख रहा हूँ थार में, एक तो गाड़ी निकलता है मुझे ऐसे गाड़ी बोलना बेकार चीज है ना, थार है, इट्स नॉट कार इट्स थार। हाँ इट्स नॉट कार इट्स थार, ठीक है, जिसे देख के आपको हो जाएगा प्यार, वाह क्या राइमिंग कर रहे हैं भाई। इसमें जो हम देख रहे हैं ये अंदर स्टोक है ना पूरी गाड़ी जी,
आपने कुछ नहीं कराया इसमें, तो कुछ प्लान है कराने का? जी प्लान तो है, इसमें सीट कवर डलाने हैं, मैट डलाने हैं, हैंड रेस्ट हो गया, पीछे बैक साइड में जो ये हैंड रेस्ट आते हैं वो भी डलवाने हैं। अभी तो ये स्टार्ट ये एसी वेंट्स की प्यार ये करवाने हैं, वो जो मर्सिडीज वाले आते हैं, हर बंदा कराता है यार, वो अच्छे लगते हैं इसमें। ये हो गया, यहाँ पे पियानो ब्लैक पुरानी थार से तो बिल्कुल ही चेंज करके रख रखा है ना, पुरानी से तो बहुत कम्फर्टेबल है, इतनी वो भी नहीं है, रफली वाइब्रेशन भी कम है इसमें, मतलब पहले से तो बहुत अपग्रेड कर दिया है। अच्छा आपके पास पहले भी थार है पुरानी वाली? नहीं वो भैया के दोस्त पे। अच्छा दोस्त पे, तो आपने ड्राइव करी है, तो आपको अगर पूछे कि भाई कंफर्टेबल कौन सी लगती है ज्यादा? कंफर्टेबल तो ये अब कंफर्टेबल ही है। तो ऐसा कुछ जो इसमें अच्छा नहीं लगा हो आपको उसमें अच्छा लगा हो पुरानी वाली थार में? नहीं ऐसा कुछ ऐसा कुछ बहुत अपग्रेड कर दिए। हाँ सस्पेंशन हो गया तुम्हारे चलने में ड्राइव में बहुत, वो वाइब्रेट करती है बहुत, बहुत कंफर्टेबल भी है, बहुत हो गया इसको बढ़िया कर दिया अब तो। ओके बाकी देखो स्टीयरिंग जो मुझे दिख रहा है यार ये ऐसा ही है जैसे और टीयूवी वगैरह इन सब में आता है सेम ऐसा स्टीयरिंग आता है ना, तो टिल्ट मिलता? हाँ टिल्ट है इसमें। ओके टेलीस्कोपिक नहीं मिलता? नहीं टेलीस्कोपिक नहीं है। ए, देखो इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलते हैं? क्रूज हाँ क्रूज मिल जाता है, देखो भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वाले सारे मिल जाते हैं जो मीडिया कंट्रोल्स होते हैं, और भाई ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और मेन बात है कि इंटीरियर पता है जैसे पुरानी थार आती थी वो एकदम रगिड वाला फील देती थी है ना, कि भाई बिल्कुल ही ऑफरोडिंग, तो लोहा लाट सी जिसे बोलते थे, अब इसमें क्या हो गया ना डिसेंट सा भी लुक आ गया है, रफनेस भी है, थोड़ी रगिड वाली भी फील देती है, और आपके ऊपर आप इसे कैसी मॉडिफाइड कराते हो? पहले मतलब गाँव में लेते थे लोग ज्यादा लड़के वड़के, मतलब शहर में भी लेते हैं लोग खूब चलाते हैं, जॉब वॉब वाले भी खूब लेते हैं, मैंने तो लड़कियां देखी हैं बहुत चलाती हैं भाई रोड पे, मैं देख रहा हूँ आजकल इतनी लड़कियां, और इसमें अच्छी भी लगती हैं लड़कियां थार चलाती है ना, पुरानी में लगे ना लगे पर इसमें अच्छी लगती हैं, लड़की भी अच्छी हो भाई ऊपर देख लो कंप्लीट, मुझे ये भी चीज अच्छी लगी है कि ऊपर ऐसा नहीं है कुछ वैसे दे रखा है, पूरा देख लो भाई मतलब है तो आज भी ऐसा ही, मतलब पूरा ठोक ठाक के भर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, सॉफ्ट वॉफ्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको, पूरी फील आपको ऐसी मिलेगी भाई कि प्लास्टिक देखो कितनी हार्ड है, ये हैंडल सा मिल जाता है, और मेन बात है इसमें जब भाई काम करा लेंगे ना जैसे इसमें मर्सिडीज वाला सिस्टम लगवा लेंगे, मर्सिडीज वाले मतलब वो आते हैं भाई वेंट्स वगैरह ठीक है, और सिस्टम मुझे इसका अच्छा लगता है। बाकी मुझे ये बताओ भाई सिस्टम का आउटपुट कैसा है इसका? म्यूजिक सिस्टम ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कह सकते बहुत, पर मतलब ठीक है सुनने में ठीक है, अगर तुम ज्यादा तेज आवाज बढ़ाते हो तो थोड़ी फटती है आवाज, ठीक है बस ये है ना बाकी ठीक है। यार आपने एक वो देखी थी थार, मैंने थार करी थी जिसमें सीएनजी लगवा रखी, आप कुछ कहना चाहोगे उस पर? सीएनजी लगवाई है भाई ने उसमें? नहीं मैंने नहीं देखी आपने नहीं देखी नहीं, चलो अब देख लेना मेरे चैनल पे पड़ी हुई है भाई उस थार में, नई वाली में सीएनजी लगी हुई है सोचने वाले। अच्छा मैं ये तो पूछना ही भूल गया, ये पेट्रोल है डीजल है? डीजल है, डीजल है ये। हाँ इसमें तो वैसे भी नहीं लग सकती। हाँ, इसमें लगती है पेट्रोल। तो कितने किलोमीटर आपने रन कर लिया अब तक? ये अराउंड 4121 किलोमीटर। 4121 तो माइलेज वगैरह क्या निकाल के देती है? माइलेज दे देती है ये अराउंड 11-12 का दे देती है। अच्छा यहाँ पे सब चीजें शो करती है ना? ओके तो 11 वगैरह का माइलेज निकल जाता है, थोड़ा ज्यादा दे देती है, बाकी क्रूज पे अच्छा दे देती होगी है ना? चलाने के ऊपर भी फर्क पड़ता है कौन कैसा रेस दे रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, ज्यादा रेस देते हैं ब्रेक मारते हैं, कौन कैसा चलाता है उस पर फर्क पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल है। बाकी यार एक चीज मुझे ठीक लग रही है, जैसे पुरानी थार में जो सीट्स थी ना उतनी कंपेटेबल नहीं थी, उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी बैठा हूँ ना बकेट टाइप सी सीट्स हैं इसमें ये है ना, तो ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से ना बहुत ज्यादा कंफर्ट पे भी ध्यान रखा गया है ना। भाई फाइव डोर का क्या कुछ कहना चाहोगे? फाइव डोर आ रही है कैसी है गाड़ी? फाइव डोर आने वाली है, बढ़िया है फिर तो फाइव डोर, वरना इसमें यहाँ से घुस के दो सीट वो और फिर इजी हो जाएगा लोगों को चढ़ना, क्योंकि ड्रॉबैक तो ये भी है ज्यादातर लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये दो इसके तीन ही डोर है सिर्फ, यहाँ से घुस के जाते हैं, फैमिली कार नहीं है वैसे ये, मतलब लड़कों की कार है। अच्छा आप भी एक चीज मानते हो कि थार अगर कोई ले रहा है तो उसकी सेकेंडरी अच्छी है, अगर प्राइमरी सोच के ले रहा है तो उसके लिए बेकार चीज है? हाँ, प्राइमरी ले रहा है तो नहीं लेनी चाहिए, अगर तुम मतलब शौक के ऊपर बात है वो तो, अगर तुम्हें लेनी है तो ले सकते हो, पर अगर तुम्हारे एक और कार होनी चाहिए छोटी मोटी फैमिली की, देखो या तो तुम एक दो बंदे हो तो कोई इशू नहीं है, अगर आपकी फैमिली है अच्छी खासी तो मुझे नहीं लगता कि थार को कोई प्राइमरी कार के लिए लेता होगा, प्रायोरिटी नहीं रखेगा इसे कि मैं थार ले लू बस, वो पहले कोई गाड़ी लेता है उसके बाद अगर शौक है तो लेता है, और भाई ये शौकबाजी चीज है शौक के लिए, ये कोई ऐसा है ही नहीं कि हाँ बस थोड़ा अपना ट्रिप पे निकल जाओ, इसमें ज्यादा वो पीछे भी बूट स्पेस, कोई बूट स्पेस नहीं, चलो बूट स्पेस चेक कर लें एक बार। ओके तो भाई एक बार बूट स्पेस और दिखा देता हूँ मैं इसका। अच्छा भाई बूट स्पेस तो अभी चेक कर रहे हैं, पर मुझे एक बार बताओ टायर भी ये कौन से हैं? ये ओमिक्रोन के हैं है ना, ये सीटी हैं। अच्छा भाई देख लो फ्यूल के ओरिजिनल अलॉय आपको दिखा रहे हैं, और अब आ रहे हैं हम
ये देखो इसका मेन पार्ट क्या है ना, ये दो पार्ट में खुलता है। मेन पार्ट क्या है कि ये दो पार्ट में खुलता है, देख लो भाई। ये देखो इसमें स्ट्रट्स लगे हुए हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। मतलब ग्लास जो ऊपर को खुल जाता है, काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। ये सही कह रहे थे यार आप, इसमें स्पेस है ही कहाँ, इतना सा स्पेस है, बैग वैग ही आना, नॉर्मल बैग ही आ सकते हैं। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो बस तीन बंदे से ज्यादा मत जाओ, क्योंकि सामान भी रखना पड़ेगा, सामान भी पीछे ही सीट पर रखेंगे या थोड़ा बहुत आएगा। हाँ क्योंकि भाई फोर सीटर तो ऑलरेडी है, फाइव सीटर भी नहीं है, बस दिक्कतें बहुत है यार इस गाड़ी के साथ, है ना, क्योंकि एंट्री करना, सामान की दिक्कतें। बट वो ये भाई फाइव डोर आ जाएगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएंगी। भाई कलर का क्या सीन था आपका, मतलब क्लियर था कि ब्लैक ही लेना है? ब्लैक नहीं, ब्लैक हम पे एक्चुअली वरना भी है ब्लैक, तो ब्लैक ही सेम कलर रखना था, इसलिए भी ये रीजन है। अच्छा कुछ नंबर भी इस पे से लगे इसका? नंबर भी लिया है हमने। ओके, जब आपने बोला ना वरना ब्लैक तो मुझे लगा नंबर भी होगा 0077, तो वरना का भी सेम है? इनोवा का भी सेम है। अच्छा इनोवा का भी सेम है, तो कौन कौन सी गाड़ी, इनोवा वरना और एक ये, और भी है कोई? एक बुक करा रखी है फॉर्च्यूनर। अच्छा फॉर्च्यूनर बुक करा रखे, उसका भी 0077, उसका भी यही लेंगे, सेम हो जाएगा सब। अच्छा तो ये नंबर कितने का पड़ता है? ये 50,000 का पड़ा है विदाउट बिडिंग। अच्छा वेडिंग होती तो भाई ज्यादा होता यार। अब काव्य भाई एक बात बताओ मुझे, जैसे गाड़ी में भाई पॉजिटिव्स होते हैं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव्स भी होते हैं, तो इस थार के आपको कितने, 4,000 के आसपास आपने चला लिया, तो कुछ नेगेटिव समझ आए? वैसे नेगेटिव हमने गिनाई नहीं, पर आप फिर से बता दो मुझे क्या क्या नेगेटिव आपको लगते हैं। नेगेटिव एक तो ये गेट का डोर का ही हो गया हमारा, मतलब डोर आगे से जाके जाते हैं, और थोड़ा बूट स्पेस भी कम है। हाँ स्पेस में थोड़ा कम है, बहुत और कोई नेगेटिव नहीं है। चलो रेटिंग की बात करते हैं, पहले तो आप थार को परफॉर्मेंस वाइज रेटिंग दो, आउट ऑफ 10 कितने नंबर देना चाहोगे? परफॉर्मेंस तो बढ़िया है इसका, आउट ऑफ 10 9। तो एक नंबर किसका कटा? थोड़ा ये ऐसे आ जाती ना रफ लुक में, और मतलब चलाने में थोड़ा ऐसा लगता है रफली, और ब्रेकिंग का झोल झाल सी करती है क्या, थोड़ा स्मूथ नहीं है जैसे और गाड़ी होती है एकदम, जैसे मान लो वरना हो गई तो स्मूथली ब्रेक और रेस थोड़ा। लेकिन फिर ऑफ रोड कौन कहेगा इसको। और अब भाई पब्लिक में आपसे पूछता हूँ, चलो भाई ने नंबर दे दिए, आपने देखे फ्यूल वाले एलॉय डले हुए हैं ओरिजिनल वाले, बाकी काम भी अच्छा खासा करा रखा है भाई ने, इसमें इंटीरियर भी कराओगे ना आगे? तो भाई नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। और आप लोग मुझे बताओ जरा आउट ऑफ 10 आप इस थार को कितने नंबर देना चाहोगे, क्योंकि भाई बिल्कुल ये रेंगुलर मतलब रूबीकॉन बनी हुई है, तो आप लोग जरा जरूर से बताना, ठीक है। तो चलो काव्य भाई थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। तो ये थे भाई अपने साथ काव्य भाई, जिन्होंने अपनी थार का आज ओनरशिप रिव्यू कराया। और भाई इस वीडियो में हमने बात करी है एक तो फ्यूल के एलॉय, ऊपर से भाई ग्रिल भी चेंज है, लाइट्स भी चेंज है, फोग लैंप है, ऊपर की बार लाइट है, और भाई काफ़ी सारा काम है। मेन बात है कि इंटीरियर भी इसमें कराने वाले हैं, और एक और चीज़ लुक ना इस गाड़ी का इन एलॉय के साथ बहुत ही प्यारा निकल के आता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी कमेंट में जो भी कहना है कह सकते हो, बाकी आपके लिए खुला ही रहता है हमेशा, कोई मैं कमेंट भाई डिलीट भी नहीं करता हूं, ना कमेंट्स ऑफ करता हूं, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो चलो भाई वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।